रवि दादी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रवि सर, जन औषधि के बारे में जानकारी देने के लिए आज आप राजधानी जयपुर पधारे हैं, क्या मकसद लेकर चल रहे हैं? जन औषधि का प्रचार और प्रसार करना ही हमारा उद्देश्य है। पूरे देश में अभी लगभग 14,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिनको बढ़ाकर 25,000 तक ले जाना है, और उस दिशा में हम राजस्थान का भी उतना ही सहयोग चाहते हैं कि राजस्थान में इसकी अधिक से अधिक दुकानें खुलें, ताकि यहाँ की जनता को भी सस्ती कीमत पर बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिल सके और वो अपनी बचत कर सके। सर, जब बात जन औषधि की आती है, जाहिर सी बात है कि एक ऐसे तबके के लिए इसको शुरू किया गया जो आसानी से प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाके वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस सपोर्ट की, इस फैसिलिटी की हम बात करते हैं, तो ये फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है अभी तक जो देखा गया है, तो इस डायरेक्शन में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत जन औषधि की इसके लिए ज़रूर हुई कि निम्न वर्ग के लोगों को, जो गरीब तबका है, उसको दिया जाए, लेकिन जन औषधि का इतना एक्सेप्टेंस है अब देश में कि इसको सभी वर्ग के लोग, मिडिल क्लास या रिटायर्ड लोग या अधिक जो जिनको लगता है कि हमें अपना पैसा बचाना चाहिए, तो ये अब किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं रहा। ये एक मास मूवमेंट के रूप में देश में जैसे 14,000 दुकानें खुली हैं इसकी, और उन सब का एक व्यावसायिक तौर पर उनकी सक्सेस है, तो उसको देखते हुए हमने इसका प्रोक्योरमेंट का लेवल बढ़ाया है और दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई है, और इसी श्रेणी में हमने कोशिश करके लगभग 2,000 प्रकार की दवाइयाँ और 300 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स और प्रोटीन पाउडर्स, ये सब चीज़ें इसकी प्रोडक्ट बास्केट में हैं। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, तो प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाया गया है, क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और इसकी उपलब्धता को इंश्योर करने के लिए कि हर देश के हर ज़िले में जन औषधि केंद्र हो, और जो बड़े शहर है उसमें इसकी सफिशिएंट नंबर में दुकानें हों। जैसा कि जयपुर में आप देखते हैं कि 120 से ज़्यादा दुकानें जयपुर में हैं ऑलरेडी, और उसमें से अधिकतर दुकानें पिछले 1-1.5 वर्ष में खुली हैं, तो जो इस प्रकार का एक एक्सेप्टेंस हो रहा है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोलें। सर, जिस प्रकार से जो बहुत घातक जो बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो अक्सर देखा गया है कि महंगा इलाज होता है, दवाइयां महंगी होती है, लेकिन जन औषधि केंद्र पे इन दवाइयों की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उपलब्धता थोड़ी कम देखी गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ? तो विशेष जो बीमारियों की महंगी दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ तो पेटेंटेड हैं, वो जन औषधि केंद्र में आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कैंसर से रिलेटेड भी लगभग 60 प्रकार की दवाइयाँ जन औषधि के सिस्टम का पार्ट हैं, और उसमें से डिमांड और सप्लाई के अनुसार, डिमांड जैसी आती है उसके अनुसार हम लोग उन पर्टिकुलर शॉप्स पर इसको प्रोवाइड कराते हैं। केवल कैंसर ही नहीं, इसके अलावा जो बाकी बीमारियां भी हैं जिसमें हाई वैल्यू की एंटीबायोटिक है, कार्डियोवैस्कुलर की दवाइयां हैं, और जिन पेशेंट्स को रेकरिंग रोज़ाना दवाई चाहिए या लेनी होती है, वो भी इसमें काफ़ी दवाइयां खरीद के अपना पैसा बचाते हैं। आखिरी सवाल है सर, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, रेयर टू रेयरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ के वो इंजेक्शन होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री लेवल तक की मदद मांगी गई है, फिर वो एक एनजीओ के थ्रू वो अगर वो पैसा आ जाता है, कंट्रीब्यूट हो जाता है, तो उनका इलाज हो जाता है, वरना उनका इलाज नहीं हो पाता, तो क्या भविष्य में ऐसी दवाइयों की भी प्लानिंग चल रही है? जी, इनको रेयर डिजीजेज़ कहते हैं जो आप मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इसके जो पेशेंट्स का नंबर है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में उन बीमारियों को आइडेंटिफाई किया जाता है, और वो फिर उस हॉस्पिटल के चैनल के माध्यम से उन दवाइयों को दिलाया जा सकता है। वो इस प्रकार से रिटेल में उतनी हाई वैल्यू की दवाइयों को रखना और उपलब्ध कराना अभी निकट भविष्य में हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन नीति आयोग इसके बारे में हमसे चर्चा कर रहा है कि यदि एक इसका मैकेनिज़्म बनाया जाए तो उनको जन औषधि केंद्र के माध्यम से किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके वो दवाइयाँ भी फ्यूचर में उपलब्ध कराई जा सकती हैं।